कर्नाटक में 20 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को विपक्ष की एकता के तौर पर देखा जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस के पास 2024 से पहले शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मौका है। शपथ ग्रहण के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को न्योता भेजा गया है। वहीं खबर है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना के सीएम केसीआर को निमंत्रण नहीं भेजा गया है। आज सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार एक बार फिर दिल्ली दरबार में आलाकमान के साथ मंथन करेंगे। अब सारी जोर आजमाइश इसी बात की है कि दोनों लोगों के कितने करीबियों को मंत्रिमंडल में मौका दिया जाएगा। दोनों गुट प्रभावशाली मंत्रालयों पर अपने अपने करीबी विधायकों को देखना चाहते हैं।